नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं सत्ता का फाइनल। आज हम बात करेंगे प्रदेश में हो रहे 28 सीटों के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के अंदर मची सियासत की। कांग्रेस में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा की शुरुआत हुई है आइटम कांड से। आइटम कांड मतलब मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, कमलनाथ जी के द्वारा एक सभा में कहा गया वो शब्द जिसने सियासी बवाल मचा रखा है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता अब इसको लेकर जहां अलग अलग राय रख रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हैं, उनने साफ कह दिया है कि वो कमलनाथ की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। जो बयान दिया गया है वो राहुल गांधी को नापसंद है और वो कहते हैं कमलनाथ की निजी राय है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बयान के बाद कमलनाथ पर और कांग्रेस पर खासी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता माणक अग्रवाल कह रहे हैं कि कमलनाथ को माफ़ी मांगनी चाहिए। माणक अग्रवाल के तर्क हैं कि राहुल गांधी जब इस बयान की निंदा करने के लायक मान चुके हैं और वो कह रहे हैं कि कमलनाथ का बयान कहीं से भी उचित नहीं है, और तो कमलनाथ अभी तक माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे। कमलनाथ को यदि राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति है तो उस पर आपत्ति वो जता सकते हैं, लेकिन कमलनाथ जिस तरीके से शांति अख्तियार की हुई इस मसले पर, उसको लेकर माणक अग्रवाल खासे उग्र नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि ये कमलनाथ की निजी राय है तो इसको तवज्जो नहीं देना जैसे भी मामला नहीं है। यदि कमलनाथ ने गलत कहा है तो उनको राहुल गांधी ने जो अब उनको सलाह दी है, उस सलाह को वो माने, तुरंत अमल करें और अपने बयान पर माफ़ी मांग लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कमलनाथ जी के जो व्यवहार है उसको लेकर वो और आगे तक चले गए हैं माणक अग्रवाल। माणक अग्रवाल कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे, उन वादों को सरकार बनने के बाद कमलनाथ ने पूरा नहीं किया। चाहे वो कर्ज माफ़ी का वादा हो, जो 10 दिन में कर्ज माफ़ी पूरी करने की बात थी वो पूरी होती नज़र नहीं आई, चाहे अब उपचुनाव के मौके पर जो वचन पत्र आया था पहले, उस वचन पत्र का मामला हो कि जिसमें राहुल गांधी की फ़ोटो नहीं लगाई गई। तो एक तरीके से माणक अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आइए हम पहले आपको सुनाते हैं कि इस मसले पर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था। कमलनाथ जी इज फ्रॉम माय पार्टी बट आई डोंट लाइक पर्सनली द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट कमलनाथ जी इज यूज एंड आई डोंट अप्रिशिएट इट। आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट बट एज ए जनरल स्टेटमेंट आई थिंक दैट आवर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन दिस कंट्री एट ऑल लेवल्स has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected. And I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. So Rahul Gandhi ka yahi bayan hai, jiske baad पार्टी के नेता माणक अग्रवाल कमलनाथ की निंदा करते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि वरिष्ठ नेता माणक अग्रवाल कहते क्या है। देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे आदमी है जो राहुल जी की बात कभी नहीं मानते। चुनाव के दरमियान भी जितने उन्होंने वचन दिए थे राहुल जी ने, उनको भी कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया। यदि वो वचन ही सब सारे के सारे उनके दिए हुए मान लेते और उसको फॉलो कर लेते तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार भी नहीं जाती। और आज भी राहुल जी की बात को उन्होंने तुरंत मान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इतना सर आपत्तिजनक कितना मानते हैं आप ये जो बयान दिया गया? देखिए, बयान दिया उन्होंने, बयान उनको देना नहीं चाहिए था, इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। और राहुल जी के बाद तो उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही पहले से कमलनाथ पर मध्य प्रदेश में खासी हमलावर है, लेकिन अब राहुल गांधी और माणक अग्रवाल के बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में चार चांद लग गए हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं राहुल और माणक के इन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो भी घटनाक्रम हुआ है
उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है और राहुल गांधी जी ने स्वयं ने अपना विवेक दिखाते हुए इस बारे में प्रश्न खड़ा किया है। उसके बाद भी कमलनाथ जी जिस तरह की हठधर्मिता कर रहे हैं, इसका निश्चित रूप से नुकसान केवल कमलनाथ जी को, केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं, तमाम राजनीतिक व्यवस्था को होने वाला है। जो माणक अग्रवाल जी ने बात बोली है वो निश्चित रूप से सत्य है। माणक जी उनके लिए रत्न के समान हैं, उनके 9 रत्नों में से एक है, और यदि आप उनकी बातों को भी अनसुना करते हो तो निश्चित रूप से बात सत्य हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि अब आपका जो शहंशाहत है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि आप अपने ही लोगों की बात नहीं मानते हो। निश्चित रूप से कमलनाथ जी को इनकी बात पर विचार करके आगे बढ़ के इमरती देवी जी के पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के अंदर ये जो अंदर खाने घमासान अब मस्ता दिखाई दे रहा है, ये कहाँ जाकर ठहरेगा और इसका कितना नफा नुकसान कांग्रेस को होगा या भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो भटनागर जी, सबसे पहले तो ये कि जो बयान कमलनाथ जी ने दिया था आइटम वाला, उसको लेकर जब भारतीय जनता पार्टी हमलावर दिखाई दे रही थी, कमलनाथ के बचाव में कांग्रेस के तमाम नेता सामने आ रहे थे, लेकिन कल जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उनने उस बयान से कहीं पर भी अपने आप को नहीं जोड़ा, ना कांग्रेस को जोड़ा, उनने कहा कि ये बयान गलत है कमलनाथ जी का, और इस बयान को वो कहीं पर भी कांग्रेस से सरोकार नहीं रखते हैं, इसको कमलनाथ जी की निजी राय है, उसके बावजूद कमलनाथ उस बयान पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुए। और अब जब मानक अग्रवाल जैसे नेता जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं मुखर हो रहे हैं इसको लेकर, तो क्या आपको लगता है कि ये आवाज़ अकेले मानक तक की रहेगी या राहुल गांधी की अकेली आवाज़ रहेगी, इससे और कांग्रेस के नेता सुर मिलाते हुए दिखाई देंगे? देखिए प्रभु, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बाद मानक अग्रवाल शायद इकलौते ही नेता रहेंगे जिन्होंने कमलनाथ की इस बात का विरोध किया है खुल के। मानक अग्रवाल का मध्य प्रदेश की कांग्रेस में एक समय में जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन पिछले लंबे समय से कांग्रेस के अंदर जितने भी जो भी नेता रहे हैं उन्होंने एक तरह से उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश की है। इसके बावजूद मानक अग्रवाल कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 15 साल के अंदर विपक्ष की भूमिका के अंदर लंबे समय तक सक्रिय, जब तक उनको सक्रिय रहने दिया गया, बड़े सक्रिय तरीके से अपनी बात की, सरकार का विरोध किया और खाटी कांग्रेसी मानसिकता के आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस समय हाशिए पर हैं। कमलनाथ से उनके अच्छे संबंध रहे, दिग्विजय सिंह से उनके खट्टे मीठे मीठे संबंध रहे, और कांग्रेस के तमाम नेताओं से मानक अग्रवाल के बहुत अच्छे संबंध हैं। उसके बावजूद मानक अग्रवाल कई बार लीक से हटकर बोलने के लिए कांग्रेस में जाने जाते हैं, कई बार उन्होंने कांग्रेस की अपनी पार्टी के नेताओं की आलोचना की। दिग्विजय सिंह को भी जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो उन्होंने कई बार कटघरे में खड़ा किया, कई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए, तो मानक अग्रवाल बोलने में हिचकते नहीं है, एक उनकी पहचान है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला है, तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भविष्य में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, आज भले ही सोनिया गांधी हैं लेकिन कल फिर राहुल गांधी का ही समय आएगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो बोला है उसको कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति रिएक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर, उसके बाद में कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सिर्फ इकलौते मानक अग्रवाल थे जिन्होंने बोला, और अब मुझे लगता है कि कोई और दूसरा कांग्रेसी भी इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं देगा। मानक अग्रवाल ने भी सुबह प्रतिक्रिया देने के बाद, जो मुझे जानकारी है कि दिग्विजय सिंह ने उनसे संपर्क किया, और दिग्विजय सिंह अभी भी पर्दे के सामने भले ना हो लेकिन पर्दे के पीछे सक्रिय हैं, और मानक भाई से उन्होंने शायद अनुरोध किया या मानक भाई से जो भी उन्होंने समझाया, उसके बाद मानक अग्रवाल ने फिर दोबारा इस विषय पर मीडिया के सामने नहीं आए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जितना नुकसान इस एपिसोड से होना था वो लगभग लगभग हो चुका है, और सबसे अच्छा तरीका तो यही होता कि कमलनाथ को जब लगा के इस मामले ने तूल पकड़ा है, तो जिस तरह की उनकी उम्र है, जिस तरह की उनकी वरिष्ठता है, उसमें माफ़ी अगर वो मांग लेते तो उनका बड़प्पन कहलाता, लेकिन वो जिस तरह की जिद पकड़े हुए हैं, जिस तरह से वो उस पर सफाई दे रहे हैं, आइटम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि रॉन्ग साइड जा चुके हैं। भटनागर जी, कमलनाथ ने खेद जताया जरूर था, लेकिन साथ में तर्क वितर्क के साथ, कि उनके बहुत सारे तर्क थे कि आइटम शब्द को लेकर उन्होंने बड़ा एलोबरेट किया था, आइटम क्या क्या चीज़ों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हम उससे आगे कर रहे हैं कि मानक अग्रवाल जो कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मानक अग्रवाल कांग्रेस के खरी खरी बोलने वाले नेता हैं, मानक अग्रवाल दिग्विजय सिंह के हनुमान माने जाते हैं, पिछला लोकसभा चुनाव था, दिग्विजय सिंह के चुनाव अभियान की कमान भी उनके पास थी,
जो दिग्विजय सिंह कहते हैं वो भी मानक अग्रवाल मान लेते हैं, आपने कहा, तो क्या ये जो बयान मानक अग्रवाल का आया है, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तो क्या बगैर दिग्विजय सिंह से पूछे हुए मानक अग्रवाल ये बयान दे सकते हैं, या उनको ये इसका नफा नुकसान नहीं मालूम था कि ये बयान देने के बाद उनके पास दिग्विजय सिंह का फोन आ सकता है? देखिए चर्चाएं इस तरह की भी है कि मानक अग्रवाल ने जो बयान दिया वो दिग्विजय सिंह की उसमें सहमति रही है और बाद में दिग्विजय सिंह ने बोला है। इस समय जिस तरह की राजनीति कमलनाथ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो कमलनाथ जी को उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, जो अनुचित लग रहा है वो ना कर रहे हैं। लेकिन जो परिदृश्य में, लेकिन मुझे लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के संबंध हमेशा बहुत मजबूत रहे हैं, और इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में 13-15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद, 6 महीने नेता प्रतिपक्ष रहने के बाद, शुरू के साल भर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बावजूद कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जमीनी राजनीति की उतनी समझ नहीं है जितनी दिग्विजय सिंह को है, और संगठन की जितनी समझ कांग्रेस में मानक अग्रवाल को है। मुझे लगता है कि उतनी दूसरी समझ वाला नेता अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है कांग्रेस में। और कमलनाथ जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तो सबसे पहले मीडिया विभाग का अध्यक्ष उन्होंने मानक अग्रवाल को ही बनाया था, अगर आप याद करेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मानक अग्रवाल को उठा के हाशिए पर कर दिया। तो कांग्रेस के अंदर मानक अग्रवाल का व्यक्तित्व ऐसा है कि 2003 तक जब तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब तक उनके दिग्विजय सिंह से 90 से लेके 2003 तक कई तरह के संबंध रहे, खट्टे मीठे संबंध रहे, लड़ाई झगड़ा भी हुआ उनका, आपस में विरोध भी हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह मानक अग्रवाल के महत्व को हमेशा समझते हैं और वो हमेशा मानक अग्रवाल को अपने पक्ष में खड़ा करने में कामयाब भी हुए लड़ाई झगड़े के बाद, आपसी मनमुटाव के बाद। तो दिग्विजय सिंह को उनका महत्व मालूम है। चलिए मुझे के मनकों पर हम आपके पास फिर से आएंगे भटनागर जी। ब्रजेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस कांग्रेस में कांग्रेस आला कमान यदि कोई शब्द कहता है या कांग्रेस आला कमान पर कोई उंगली उठाता है तो तमाम कांग्रेस नेता एकजुट हो जाते हैं। हमने भी देखा पिछले महीने CWC की मीटिंग का जो मामला था जहां 23 नेताओं की चिट्ठी का मामला आया था, वहां पर राहुल गांधी का अंदाज देखने लायक था, प्रियंका गांधी का अंदाज देखने लायक था, जो तल्खी उनके स्वरों में दिख रही थी और जो उस मीटिंग के बाद निकल कर आया वो ये बताता है कि कांग्रेस की हाईकमान के खिलाफ या हाईकमान ने जो लाइन दी है उसके खिलाफ वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये मध्य प्रदेश में क्या कोई अलग कांग्रेस चल रही है कि राहुल गांधी के बोलने के 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया, केवल एक नेता बोलने के लिए सामने आया उनकी बात का समर्थन करने के लिए, वो भी जो जिसको सिर अभी एक किनारे पर बैठा दिया गया है, जो मुख्य धारा में नहीं है कांग्रेस के, वो नेता जरूर ये कहने के लिए आया कि राहुल गांधी ने सही कहा था, उनकी बातों को नहीं माना गया, राहुल गांधी की बात मानकर कमलनाथ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और पिछले चुनाव से लेकर 2018 के चुनाव से लेकर अभी तक राहुल गांधी को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दरकिनार किया गया वो तमाम बिंदु भी गिना रहे हैं, तो केवल एक नेता सामने आया है, तो क्या कांग्रेस में अब बिल्कुल बदलाव की बयार है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल पटेरिया जी, जैसा कि आपने कहा, राहुल गांधी के बयान के बाद मध्य प्रदेश में जितनी भद्द पिटी है उनकी, जैसे उन्होंने कहा था 10 दिन में हम कर्जा माफ़ कर देंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, पूरे देश में ये मुद्दा गया है कि राहुल गांधी खुद कह के गए थे, इसके बावजूद भी 10 दिन में कर्ज माफ़ नहीं हुआ। अभी भी कांग्रेस दावा कर रही है तो वो पूरे कर्ज माफ़ी की दावा नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि हम 1.5 लाख तक का कर्ज माफ़ किया है, वो खुद कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। तो आप सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब राहुल गांधी, उनकी ये स्थिति थी कि लोकसभा चुनाव में वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट नहीं देना चाह रहे थे और राजस्थान में गहलोत के बेटे को टिकट नहीं देना चाह रहे थे, ये उन्होंने खुद कहा है और भरी बैठक में कहा है। चिदंबरम कि मैं चाहने के बाद मैं नहीं चाहता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस टाइम पे, ये गौर करने वाली बात है, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको टिकट दिया जाए और इसके बावजूद उनको टिकट देना पड़ा। उन्होंने तब ये कहा था कि त्याग तपस्या और सड़क पर लड़ाई से ही हम भाजपा से मुकाबला कर सकते हैं और जो हमें अपने नेताओं में देखने को नहीं मिल रहा है, इसी कारण राहुल गांधी वो शख्स थे, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और इस्तीफा दे ही दिया था, उन्हें तमाम नेताओं ने मनाया कि आप इस्तीफा वापस ले लो, लेकिन वो पार्टी में नहीं आए। ये उनकी पीड़ा थी जो जाहिर कर रही थी और आज तक जाहिर कर रही है, मतलब अब उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को कि उनके वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। इसके बावजूद क्या होना चाहिए था कि जैसा कांग्रेस में पहले होता आ रहा है, कभी भी किसी भी हाईकमान के खिलाफ नज़रें उठाने की बात तक नहीं कांग्रेस सोच सकता था, एक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक, यहाँ तक होता था प्रभु जी के मुख्यमंत्री जो देश प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के लिए केंद्रीय नेताओं बड़े नेताओं से सिफारिश तक करना पड़ती थी, ये कांग्रेस का चरित्र था पहले। और अब कांग्रेस के बड़े नेता
जो उस टाइम पे, अब उसकी एक वजह ये भी है कि राहुल गांधी एक बहुत जूनियर हैं और जो वरिष्ठ घनिष्ठ नेता हैं जो राजनीति में रच बस गए हैं वो उनको इस लायक नहीं समझते हैं और वो सोनिया गांधी के खेमे में रहते हैं। यदि हो सकता है सोनिया गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी और भविष्य के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा कि भटनागर जी भी अभी बिल्कुल जो CWC की बैठक में जिस तरह से सोनिया गांधी पर 23 लोगों ने पत्र लिखा था उन पर कार्रवाई हुई थी और इसके बाद राहुल गांधी के जो निकटतम लोग थे उनको शामिल किया गया था, इससे साफ संकेत था कि यदि हाईकमान के ऊपर आप यदि नज़र उठाओगे या कुछ बोलोगे उनके खिलाफ तो कांग्रेस में बक्से नहीं जाओगे। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद भी 24 घंटे हो गए हैं, ना कमलनाथ ने माफ़ी मांगी है, इसके बाद अन्य किसी नेता ने, ना दिग्विजय सिंह ने, ना देश के, ना प्रदेश के किसी भी नेता ने उनका समर्थन नहीं कहा और ना ही इस तरह से हाईकमान से निर्देश आए कि आप उसको माफ़ी मांगिए यदि राहुल गांधी ने कहा है। बस इतना जरूर हुआ है पटेरिया जी कि इसके बाद सारे नेताओं ने चुप्पी साध ली, इससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही सर्वोपरि हैं और कमलनाथ को जो करना है एक तरफ छोड़ दिया, हाईकमान ने भी बोलकर छोड़ दिया है, अब आप अपने हिसाब से देखो। तो ये परिस्थितियाँ आ गई हैं कांग्रेस में। भटनागर जी, कांग्रेस में अब यदि मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ जो कह रहे हैं लगभग वही लाइन है, सर्वमान्य वाली बात निकल कर आ रही है, दिख भी यही रहा है कि कमलनाथ ने आज अपनी तमाम जो सभाओं में गए हैं मंच पर उनने जो आइटम को लेकर अभी तक सफाई देते दिख रहे थे, राहुल गांधी का बयान आने के बाद आज उन्हें सफाई देने की भी जरूरत नहीं समझी। वो कहते थे आइटम मंच पर बैठे हुए व्यक्ति को गिनाते थे कि आइटम नंबर वन है, आइटम नंबर टू, यहाँ सब आइटम है, तो आज वो आइटम शब्द से ही उन्हें किनारा कर लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अब यदि जब आइटम से कमलनाथ ने किनारा कर लिया, जब आइटम से या कमलनाथ से के बयान से नाराजगी को लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने किनारा कर लिया, तो क्या मानक अग्रवाल का कोई भविष्य कांग्रेस में अभी आपको दिख रहा है या वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे सके? मैंने पहले ही आपसे कहा प्रभु कि मानक अग्रवाल लंबे समय से हाशिए पर है कांग्रेस की राजनीति तो उनके लिए भविष्य का सवाल नहीं। दूसरी रही बात कि मानक अग्रवाल के बीजेपी में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, उनका जाना होता तो कई उनके पास ऐसे अवसर थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके पास ऑफर भी थे लेकिन वो कभी गए नहीं। दूसरी बात कि वो डायरेक्ट राहुल गांधी के संपर्क में भी हैं, वो दिल्ली के कई नेताओं को, मतलब मध्य प्रदेश में जाने दीजिए लेकिन दिल्ली के भी तमाम बड़े नेताओं से उनके संपर्क रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अतीत में जितने प्रभारी रहे हैं जो आज वहाँ पे प्रभावशाली हैं उनसे भी उनके संबंध रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अब उनका और बिगड़ेगा क्या, वो तो वैसे ही घर पे बैठे हुए हैं तो अब कमलनाथ उनका और क्या बिगाड़ेंगे मतलब। और दूसरी बात यह कि क्या कमलनाथ उनका कुछ बुरा करने की स्थिति में भविष्य में नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ कांग्रेस में चल रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, हालांकि कल दिनेश जी ने इसी डिबेट में कहा था कि कमलनाथ को दिल्ली में कांग्रेस का भविष्य पता है और वो भविष्य की राजनीति मध्य प्रदेश में ही करना चाहेंगे, लेकिन कमलनाथ इस मामले में बड़े फ्लेक्सिबल भी हैं। कमलनाथ को लगेगा कि यदि किसी व्यक्ति की उपयोगिता है तो वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके और उसका उपयोग कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वो होगा कि कमलनाथ को कोई बदला भांजना है मानक अग्रवाल से। निश्चित तौर पर उन्होंने भी मानक अग्रवाल से कोई बात की होगी। वैसे भी मैं प्रभु जी, अपन मानक अग्रवाल जी को यदि मध्य प्रदेश के नज़रिए से देखें तो यहाँ भले ही अपन को वो कमतर नेता दिखते हों लेकिन वो जिस दौर में कांग्रेस से आए हैं और जिन नीचे की राजनीति से करते ऊपर आए, उनके साथ वाले चाहे कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं, गहलोत जी हों चाहे कोई हों, उनके वरिष्ठ नेताओं से लेकर टॉप जो लीडर हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। ब्रजेश जी, बैकबोन इतनी मजबूत होगी मानक अग्रवाल की तभी तो इतना बोल पाया, नहीं तो और किसी नेता ने हिम्मत नहीं दिखाई है। लेकिन यहाँ सवाल ब्रजेश जी मेरा आपसे दूसरा है, कमलनाथ ने भले आइटम शब्द से किनारा कर लिया, नारी अपमान का जो मुद्दा था कांग्रेस की नज़र में तो खत्म हो गया है राहुल गांधी के इस बयान के आने के बाद, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस मुद्दे को अभी भी कैश कराने में जुटे हुए हैं। और जब आधी नारी शक्ति की बात आती है कि प्रदेश में जो कुल मतदाता होंगे उनमें से आधी तादाद महिलाओं की है, तो वो जो महिला मतदाता हैं उनको प्रभावित करने वाला ये मुद्दा है, तो क्या इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में उठा सकती है? निश्चित तौर पर जी, 50% मतदाता हैं महिला मतदाता, और जिस तरह से भाजपा इस मुद्दे को लेकर जा रही है, चाहे ज्योतिराज सिंधिया की सभा देख लीजिए आप या शिवराज जी की सभा देख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर की सभा देख लीजिए या नरोत्तम मिश्रा की सभा देख लीजिए,
आइटम शब्द से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है राहुल गांधी के बाद उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन भाजपा ने उस शब्द को छोड़ा नहीं है। अभी भाजपा लगातार उसको तूल दे रही है। जिस तरह सिंधिया की सभा हुई थी, उन्होंने कहा कि नारी अपमान है, मैं खड़ा हूँ नवरात्रि में, वो माँ दुर्गा से इस मामले को जोड़ दिया है उन्होंने। और ये मुद्दा अभी तक जब तक जीवित रहेगा तब तक कोई नया मुद्दा नहीं आ जाता है। ये अभी ऐसा ज्वलंत मुद्दा है कि लगातार बना रहेगा चुनाव में, क्योंकि इससे भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, उसे बिहार में, पश्चिम बंगाल में इसका लाभ लेते नजर आ रहा है। इस कारण इस मुद्दे को आप इतनी आसानी से भाजपा छोड़ने वाली नहीं है। हो सकता है कमलनाथ जी राहुल गांधी के कहने के बाद माफ़ी मांग लेते तो वो मुद्दा बहुत कम असरकारक हो जाता, लेकिन मध्य प्रदेश में बरकरार रहेगा और ये आप देखना दूसरे राज्यों तक ये मुद्दा जाएगा। प्रभु, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान की आप तुलना करेंगे तो जो महिला मतदाता है उनका झुकाव स्वाभाविक तौर पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो शायद इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पहले दूसरे कार्यकाल में महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं, जमीनी योजनाएं, निचले स्तर तक योजनाएं बनाई है, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने इतना काम महिलाओं के लिए किया हो, और इसको महिलाएं एक्सेप्ट भी करती हैं। भटनागर जी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि कन्यादान योजना में राशि बढ़ाकर 51,000 कमलनाथ ने की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आने के बाद इन 15 महीनों के कार्यकाल में महिला अपराध घट गए थे जो अब फिर जाकर बढ़ गए हैं। ऐसे तमाम दावे महिलाओं के हित के कांग्रेस के नेता करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर तो काम करेगा चुनाव में कि उन्होंने वाकई काम किया होगा। देखिए प्रभु, मैं 28 विधानसभा क्षेत्रों में गया था और इस चीज़ पर भी मैंने बातचीत की थी। 51,000 रुपये तो कर दिया, लेकिन वो 51,000 रुपये बहुत कहीं कहीं कुछ इस्तेमाल हुआ है, बाकी अधिकांश जगहों पे नहीं हुआ। जहाँ प्रभावशाली विधायक थे कांग्रेस के, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम हुए जिनमें 51,000 रुपये दिए गए, लेकिन पहले जब शिवराज सिंह चौहान थे 25,000 रुपये देते थे। जिस तादाद में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम होते थे गरीब कन्याओं के, उतने कमलनाथ की सरकार में नहीं हुए। रही बात क्राइम की, तो मुझे नहीं लगता ये आंकड़े ऐसी चीज़ है कि क्राइम तब भी था, क्राइम अब भी है। महिलाओं के प्रति अपराध किसी भी सरकार के समय रहे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कानून से हटके समाज का, आज ही हमने एक घटना पढ़ी है उज्जैन की, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अब इसमें कानून व्यवस्था कहाँ से आड़े आ जाएगी, पुलिस को क्या पता कि किसके मन में क्या है, वो क्या करने जा रहा है। बड़ी विवश सी घटना थी, आज ही अखबारों में छपी है कि एक बच्चे के साथ में उसी के पड़ोसी ने जो है उसे करंट लगा के मार दिया उसके बाद में। तो मुझे लगता है कि जो समाज की जो क्रूरता है, अब वो सरकारें डंडा लेके कि हर आदमी को तो ठोक नहीं सकती है, जब अपराध होगा अपराधी पकड़ में आ जाए, ये कानून व्यवस्था का एक इशू होता है और उसे सजा दिला दी जाए। तो शिवराज सिंह चौहान ने तो फांसी की सजा का भी प्रावधान किया, लेकिन कानून के अंदर इतने लचीलापन है कि वो फांसी की सजा 28 लोगों को हो गई, लेकिन अभी तक फांसी पर कोई नहीं चढ़ा। अब इसके लिए हम आप शिवराज सिंह चौहान को दोषी नहीं ठहरा सकते। दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश में प्रभु जी हम अन्य राज्यों से तुलना करें बिहार से, उत्तर प्रदेश से। ब्रजेश जी, मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूँगा कि राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यदि प्रतिक्रिया अपनी नहीं दे रहे हैं या पक्ष में या विपक्ष में, तो ये मान लें कि राहुल गांधी ने पार्टी लाइन से हटकर बात की है। एक लाइन में जवाब चाहूँगा। ये ऐसा कहना अतिशयोक्ति हो गई कि उन्होंने पार्टी लाइन से हट के बात की होगी। हो सकता है कि नेता इसलिए भी प्रतिक्रिया देने से एक लाइन से बच सकते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, या उनकी प्रतिक्रिया एक आम कार्यकर्ता आम नेता की तरह हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कहते तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता, इस कारण हो सकता है ये बहाना करके दरकिनार कर रहे हों। नहीं तो कांग्रेस में भी सेम प्रतिदाव वाले मामले में भी माफी मंगवाई है सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने। चलिए, समय की अपनी सीमा है, विषय बहुत गंभीर है, मामला बड़ा हुआ है, इस पर बहुत सारी तमाम तरह के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर भविष्य में और भी चर्चा होती रहेगी सभी मंचों पर। आज के लिए सत्ता के फाइनल में इस विषय पर हम यहीं विराम देते हैं। जनता की नज़र में जो फैसला होना है वो तो 3 नवंबर को जनता मत पेटी ईवीएम में अपना दर्ज कराएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि तब तक आइटम वाला ये जो मामला है कमलनाथ का, ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के अंदर खाने की बात हो, दोनों जगह पर हॉट बना ही रहेगा। और सत्ता के फाइनल में हम कल फिर इससे जुड़े या किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।